का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बह गया देख च सिख गुरु दा बाणी जपदा जपदा त्यों त्यों होवन नैन सौरी जो ज्यो पानी तपदा। प्यारे साध संगत जी, अज मैं तुहाडे सामने भाई दयाला जी की शहीदी उत्ते एक साखी पेश करन जा रही हूँ। भाई दयाला जी भी उन्होंने गुरु सिखों विचों सन जिन्हों गुरु तेग बहादुर जी के नाल दिल्ली आने का मौका मिलया सी। अत्याचार का समय सी ते अत्याचार नू रोकण लई गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली पहुँचे। काजी ने गुरु साहिब नू आख्या, तुहाडा धर्म भी हिंदू धर्म तो ओवे ही वखरा है जिवें कि इस्लाम। साडा धर्म हिंदुआ द्वारा बनाई गई मूर्तियां नू तोड़दा है, तुहाडे धर्म भी उन्हां मूर्तियां नू तोड़दा ही होवेगा। ते गुरु साहिब ने आख्या, साडे धर्म विच एवं कुछ नहीं होंदा। साडा धर्म साडे सिक्ख्या नू इह सिखांदा है कि तुसी एक धर्म उत्ते चलो ते उस धर्म नू मन्नो, उस धर्म की सिक्ख्या नू अपने जीवन विच वरताओ। ते काजी ने सोचिया, यह तो मेरी गल मनदे ही नहीं। तो उसने सोचा कि इन्हां उत्ते दबाव पाना पैना है। तो उसने उन्हां दे उत्ते दबाव पाया। उसने पहला भाई मतीदास जी नू शहीद किया। तो हुण वारी आई दयाला जी की। उसने दयाला जी नू आख्या, तुसी इस्लाम कबूल कर लियो। पर उन्होंने आख्या, नहीं मैं इस्लाम कबूल नहीं करना। तो काजी ने आख्या, अगर तुसी इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो तुहानू शहीद कर दिता जाएगा। उन्होंने आख्या, कोई नहीं मैनू तुसी शहीद कर दियो। तो उन्होंने काजी ने आख्या उन्होंने कि असी तुहानू उबलते देख पर शहीद करांगे। तो उन्होंने आख्या, कोई नहीं तुसी मैनू कर दो। तो उन्होंने उन्होंने पूछा कि तुहाडी आखिरी इच्छा की आ। भाई दयाला जी ने उन्होंने आख्या, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि तुसी मैनू मेरे गुरु साहिब गुरु तेग बहादुर जी के सामने शहीद करो। मैं मेरे भाई मती कोल मती सिंह जी के कोल जाना है। तो काजी ने उबलते देख की तैयारी करने लई अपने साथियों नू आख्या। तो उसके साथियों ने पूरी तैयारी कर दी। हुण उन्होंने दयाला जी नू उबलते देख विच पा दी। ते ओ उस वे शहीद हो गए। गुरु साहिब भी उन्होंने सामने से। इस तरह हुई साढ़े दयाला जी की शहीदी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।